दोस्तों आज बनाएंगे कच्चे आलू और सूजी से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा झटपट बनने वाला नाश्ता। बच्चे जब बाहर का स्नैक खाने के लिए जिद करें तो उन्हें ये रेसिपी ज़रूर बनाकर दें। झटपट बनेंगे और इसे सभी पसंद करेंगे। इसे खाकर सभी पूछेंगे कैसे बनाया। एकदम टेस्टी कुरकुरा झटपट बनने वाला नाश्ता है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएंगे। यहाँ पर इसे बनाने के लिए एक पीस कच्चा आलू लेना है और आलू को अच्छी तरह से छील कर धो लिए हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आलू को एक ग्रेटर से इसे कद्दूकस कर लेना है। ये छोटे छेद वाले से कद्दूकस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। अब इस आलू के लच्छे को 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे। आलू के लच्छे का पानी निकाल लेना है। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च 2 से 3 पीस है, 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक और बारीक कटे हुए इसमें प्याज डालेंगे, 1 प्याज है। अब इसमें डालेंगे थोड़े बहुत मसाले जिसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी सूजी जिससे हमारा नाश्ता कुरकुरा बनेगा। और इस नाश्ते का स्वाद दुगना करने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी बेसन या फिर गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा 1 चम्मच डालेंगे हल्दी जिससे थोड़ा सा कलर आएगा। अब इन सभी को डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें धनिया के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं और इसे हल्के हल्के हाथों से दबा दबा कर मिक्स कर लेंगे। तो इसमें अगर पानी लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें 3 से 4 चम्मच तक पानी डालेंगे और इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसे एकदम गाढ़ा पेस्ट के जैसा बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम गाढ़ा मिश्रण तैयार है, हाथों में रखकर इस तरह से चेक कर लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 पीस नींबू का रस। नींबू को बीज निकाल कर लेंगे तो यहाँ पर अब इसे एकदम निचोड़ लेना है। नाश्ते हमारे एकदम फूले फूले बने, हल्के फुलके बने। 2 चुटकी डालेंगे इनो। इनो डालने से इस नाश्ते को फूलने देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नाश्ते हमारे एकदम फूले फूले बनेंगे, क्रंची बनेंगे। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद इसे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ेंगे, इसे झटपट बना लेंगे। तो अब इसे हाथों को धोकर हाथों में थोड़ा सा मिश्रण ले लेते हैं और इसे छोटे छोटे पीस में बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ले लिए हैं और हाथों में गोल कर कर इस तरह से हल्का सा इसे लंबा शेप में बना लेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल डालकर गरम करेंगे और एक एक पीस करके डालेंगे। इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा तेल भी नहीं लगते हैं, कम ही तेल में बनकर तैयार हो जाएंगे। कढ़ाई में जितने पीसेस हैं उतने को डालकर थोड़ी देर में इसे पलट देंगे और इसे बनाएंगे तो मीडियम या लो फ्लेम पे बनाएंगे, धीमी आंच में बनाएंगे तो एकदम कुरकुरे भी बनेंगे और अच्छी तरीके से ये पक भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चम्मच से इसे पलट लेना है, उलट पलट करके दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है सुनहरा कलर होने तक। तो यहाँ पर सुनहरा कलर हो गया है और कितना सुंदर कलर आया है। तो अब इसे झंझरे से निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखिए एकदम क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर झंझरे से निकाल कर दूसरे झंझरे में इस तरीके से डालेंगे तो एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सभी को निकाल लिए हैं और इसी कढ़ाई में बाकी बचे हुए पीसेस को डालकर फ्राई कर लेंगे सुनहरा कलर होने तक। तो देखिए दूसरी बार में भी एकदम परफेक्ट कलर आया है। तो इसी तरीके से सभी को बना लेना है और इतने सारे नाश्ते बनकर तैयार हैं एकदम झटपट आसान तरीके से। तो बच्चे जब भी बाहर का स्नैक मांगे तो उन्हें ये रेसिपी ज़रूर बनाकर दे, सभी पसंद करेंगे। तो सभी को बनाकर तैयार कर लिए हैं। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो बच्चे जब भी बाहर का स्नैक मांगे तो उन्हें इस तरीके से कच्चे आलू और सूजी से बनाकर दे सकते हैं। एक बार इसे बनाकर खाएंगे खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर एकदम टेस्टी कुरकुरा और अच्छी तरीके से ये पके हुए हैं और एकदम हल्के फुलके हैं। तो एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखें। रेसिपी मेरी अच्छी लगे, मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।